अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, और हाँ सब्सक्राइब करते वक्त वो घंटी जरूर दबा देना। Hey guys, welcome to our channel Siddhinath Vlogs. तो आज के वीडियो में हम पुणे के तीन टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेसेस कवर करेंगे। सबसे पहले हमने दगड़ूसेठ हलवाई गणपति जी के दर्शन किए। 100 साल पुराने इस मंदिर को देखने के लिए हर साल लाखों श्रद्धालु महाराष्ट्र के कोने कोने से इधर आते हैं। बप्पा जी के दर्शन करने के बाद हम चल पड़े मंदिर के ठीक बाजू में पुणे की सबसे बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन को देखने, वो है शनिवार वाड़ा। देखो इसको YouTube बनाने का कितना शौक है, बेचारा बिना खाए पे आज YouTube बना। हाँ बहुत भूख लगी यार, बहुत भूख सच में। 5 बज गए लेकिन पेट में कुछ भी नहीं गया। मराठा सम्राट पेशवा बाजीराव ने इसे 1730 में बनाया था। 1828 में एक भयानक आग के वजह से ये किला लगभग जल के राख हो गया। आज तक किसी को नहीं पता कि वो आग कैसे लगी। लोगों की माने तो ये दुनिया की सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक है। लोग कहते हैं कि ये जगह शापित है और यहाँ बाजीराव के पोते नारायण राव की आत्मा भटकती है, इसलिए इस किले को रात में जाना मना है। नारायण राव के आखिरी शब्द भी आज तक इस जगह में गूंजते हैं और लोगों को सुनाई देते हैं। ये पता चलते ही बिना देर किए हम वहां से निकल गए अपने तीसरी और आखिरी डेस्टिनेशन को, एफसी रोड। पूरे सिटी की लड़कियां यहाँ शॉपिंग के नाम पे टाइम पास करने आती हैं, खरीदना कुछ नहीं होता इनको। अरे यार पक गया हूँ यार, चलो यार वापस। एफसी रोड में आके वैशाली होटल में स्पेशल डोसा ना खा के जाएं, ऐसा कैसे हो सकता है। वन ऑफ द बेस्ट डोसास यू कैन फाइंड हियर। सो जब भी एफसी रोड आओ एक बार यहाँ का डोसा चखना जरूर। चलो दोनों टेक केयर। आज का डे खत्म हुआ और अभी हम लोग घर जा रहे हैं। और आप एक दुख की बात बोले, मेरे भाई ने एक रुपया भी खर्चा नहीं किया। हाँ। शॉपिंग के लिए सारे इवन हम लोग ने वैशाली में डोसा खाया और दही वड़ा खाया और क्या खाया पता नहीं, जो भी खाया एक रुपया भी उसने अपने पॉकेट से नहीं निकाला और मैंने निकाला। हाँ। मैंने दिया। और ट्रैवलिंग का खर्चा कौन उठा रहा है? ट्रैवलिंग का खर्चा वो कुछ ज्यादा नहीं है। ट्रैवलिंग के खर्चे, खाने का खर्चा ज्यादा आया, ट्रैवलिंग का खर्चा बहुत कम आया। चल चल हमें एक बहुत अच्छे सज्जन मिले हैं, मारुति सर मिले हैं, और मारुति सर से बहुत सारी बातें हुई हमारी,
और कुछ ऐसे बातें उन्होंने भी बताया जो एक्चुअली हमें सोचना चाहिए कि हम ये सही कर रहे हैं कि नहीं। तो मारुति सर, आप क्या बोलते हो, जैसे कुछ कस्टमर्स ऐसे आते रहेंगे गंदे गंदे बिहेवियर, ऐसे कभी देखा है आपने, एक्सपीरियंस किया है? ऐसा है सर, ये देखो 4 साल से मैं जो गाड़ी चला रहा हूँ ना, तो ये 4 साल में ऐसे मुझे कस्टमर मिलते हैं कि दिन में समझो 10 कस्टमर में से 2 कस्टमर तो ऐसे मिलते हैं कि उनके बाप ने ही गाड़ी लेके दिया है। वो खुद का सब कुछ हम पे भी दाग जमाते है, तो उनको मालूम होता है ये इंसान कुछ भी नहीं, मेरा पैसा सब कुछ है। अच्छा, तो ये गलत है ना सर? बिल्कुल, आप इंसानियत से हमको थोड़ा बात करोगे मिठास में तो हमको भी अच्छा लगेगा ना। बिल्कुल, हम भी उनको 5 स्टार देते हैं। बिल्कुल, और हमारा भी इच्छा रहता है कि उन्होंने 5 स्टार देना चाहिए हमको 100%। क्योंकि अच्छा आप रहोगे तो हमको तो, हम तो तुम्हारे से छोटे हैं तो अच्छा क्यों नहीं रहेंगे सर? छोटे बिल्कुल नहीं, हम सब सही है मैडम। वो बात क्या है, हम थोड़ा छोटा मजूरी करते नहीं, वो बात नहीं है। जो पढ़े लिखे है हम भी कस्टमर को तो भगवान मानते हैं। बिल्कुल, क्योंकि बड़े हैं, उनके वजह से हमारा रोटी रोजी चलता है। yes. और उनको मालूम होता है कि हमारे वजह से इनका कुछ नहीं चलता है। तो उनका काम तो होता है ना उनको, आपके वजह से हम लोग घर से पहुंचते हैं। हाँ, तो वो ऐसे तुम्हारे जैसे कुछ लोग ऐसे 10 में खाली हमको 8 लोग तो ऐसे मिलते हैं कि समझदार, और 2 ऐसे मिलते हैं कि बस हमारा पूरा दिन खराब कर देते हैं। क्या बताएं आपको, सही में ऐसे बहुत सारे मिले सर, और आपके जैसे वो 8 में भी ना 1-2 मिलते सर। अच्छा, बोलो तो इतने अच्छी बात करेंगे, सब कुछ कैसा चल रहा है, तुम्हारे परिवार में कौन है, कैसा है, क्या करते हो, किस गांव के हो, सब कुछ ऐसे लोग दिन में 1-2 मिलते सर। अच्छा, सब कुछ जानकारी लेंगे, अरे यार बढ़िया है, तो ईमानदारी से करो, ईमानदारी से रहो, सब कुछ सिखाएंगे, ऐसे मिलते हैं। मगर दिन में 2 आके सब कुछ दिन का खराबा कर देते। अच्छा, ऐसे भी लोग सर मिलते हैं। ऐसा कुछ हुआ है कभी, एक्सपीरियंस किया हो, जैसे कोई गंदा वाला कस्टमर मिला हो, कुछ ऐसे गाली गलौज हुआ, ऐसे कुछ हुआ है एक्सपीरियंस आपने देखा है? तो हम क्या करते सर मालूम है क्या, कि इतना बड़ा पूना है, कोई टेढ़ा मेढ़ा भी बोला तो उसको छोड़ देते हम। अरे, क्योंकि किसको सुधारेंगे ये पूना सिटी में? करेक्ट, इसीलिए हम दिमाग से बाहर निकल देते सर। करेक्ट, आपका बड़प्पन है, आप छोड़ देते हो। पर किसके नाथ को लगेगी सर, आपने पास आपने अपने बाल बच्चे पालने के लिए ये मजूरी करते, 15-15 घंटे ऑनलाइन रहते। करेक्ट, फिर किन के नाथ को नहीं लगते उनके? बिल्कुल, बोल दिया जान दो 10-15 मिनट का उनका और हमारा मतलब रहता है, कहीं को उनको ज्यादा भाषण करेंगे, है कि नहीं? बिल्कुल हाँ, मगर 2 तो भी तुम्हारे जैसे आके हमारे दिल को सुकून देते। क्या बात है, हाँ। उनके वजह से चलता है मैडम, तो आप भी बहुत अच्छे है, इसलिए तो आपने पूछा, नहीं तो कौन किसका हाल पूछ रहा है ये जमाने में, बताओ ना। बिल्कुल, हाँ, तो ऐसे लोग मिलते हैं ना, तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि आपके जैसे मुझे दिन में 1-2 मिलते हैं सर। तो मारुति सर ने जो बात कही बिल्कुल सही बात कही। देखिए, काम करने के लिए हम लोग सब आते हैं, बंदे हम ऑफिस में एसी रूम में लैपटॉप के सामने बैठ के काम करते, मारुति सर जैसे बंदे गाड़ी चला के करते हैं, उनको हर वक्त जान का रिस्क रहता है, दिन भर रोड में घूमते रहते हैं, किसके लिए? हमारे लिए, और हम उसका नाजायज फायदा उठाते हैं, सारे नहीं कुछ, तो जो कि बहुत गलत बात है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। गाड़ी तो चला, लेकिन ये सब बंद करना, चलो गया स्टार्ट किया। और कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं है, सब पैसा कमाने के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए धरती पे आए हैं, आपकी तरह, हमारी तरह, मारुति सर की तरह, तो हमें रोकना चाहिए। फ्रेंड्स, जो भी मेरा ये वीडियो देख रहा होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कहीं भी आगे जाके ओला उबेर जैसे ड्राइवर मिले आपको तो उनसे सराफत से बात करिए। कोई भी ड्राइवर हो, कुछ भी काम, बिल्कुल कोई भी ड्राइवर हो, ओला उबेर हो, कहीं पे भी हो, छोटा किसी को नहीं समझने का, कोई भी काम छोटा हो कि बड़ा हो। भाई हमारा बंदा है, हाँ हाँ, उबर में ड्राइव करता है, तो लोअर प्रेल ब्रिज में दारू पी के कस्टमर बैठे थे गाड़ी के अंदर, एसी फास्ट कम कर रहे थे, सिगरेट पी रहे थे और ड्रिंक कर रहे थे। जो ड्राइवर ने तब मना किया, बोले सर गाड़ी में ये अलाउड नहीं है, तो आप ये चीज़ ना करें तो अच्छा है। तो कस्टमर ने लोअर प्रेल ब्रिज के ऊपर गाड़ी रुका के ड्राइवर को इतनी बुरी तरह मारा है, उनकी गाड़ी वाड़ी तोड़ दिया है, और ये ऑलमोस्ट हाफ मर्डर है, गले में वार कर दिया है ब्लेड से।